नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर न्यूज के क्रिएटिव डायरेक्टर स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह की स्मृति में हरनई महाविद्यालय में आयोजित एक क्रिकेट प्रतियोगिता, पिता गुलाब सिंह और पुत्र आयुष सिंह ने गुड्डू बाबू को दी श्रद्धांजलि। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने किया कलेक्ट्रेट का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तत्काल तलाक रोक बिल पास होने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का किया इजहार। नगर विधायक और जिलाधिकारी ने गरीबों और असहायों के बीच बांटा कंबल। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर द्वारा छात्रों पर की गई कार्रवाई को ठहराया गलत। प्रॉक्टर ने कहा कि किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। 21 सूत्री मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने दिया धरना। जिला हैंडबॉल संघ की ओर से आनंदेश्वर पांडे को भारतीय ओलंपिक संघ का कोषाध्यक्ष चुने जाने पर किया गया सम्मान। 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की झांकी को विधिवत ध्वज दिखाकर महापौर सीताराम जायसवाल ने किया रवाना। और अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट में अक्की स्पोर्ट्स ने आतिफ को 10 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। गोरखपुर न्यूज चैनल के क्रिएटिव डायरेक्टर स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह का आज जन्मदिन है। आपको बता दें कि सुरेंद्र बहादुर सिंह 40 वर्ष की अल्प अवस्था में इस दुनिया से विदा ले चुके थे, लेकिन उनकी याद में आज भी उनके द्वारा गठित की गई क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी लगातार अपने परचम को लहरा रहे हैं। इसी क्रम में उनके जन्मदिन पर उनके महाविद्यालय हरनई में एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मैच के आयोजन से पूर्व उनके पिता गुलाब सिंह ने उनके चित्र पर माल्या अर्पण किया और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। श्रद्धांजलि के क्रम में उनके लखनऊ स्थित कॉलेज में उनकी पत्नी अंशु सिंह और पुत्र आयुष सिंह ने भी उनके चित्र पर माल्या अर्पण किया। बगल वाला दो खड़ा हो जाए। बगल दिए हैं, बगल ये फोटो पकड़ ले, फोटो खिंचा ले। मंदिर हां बस छोड़ छोड़ हां बस। नमस्ते जी, कैसा है आपको? नमस्ते जी, गुलाब सिंह चल जाता। क्या नाम है? माननीय मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फोटो नहीं पधार चुके हैं, फोटो नहीं लिया। और माल्यार्पण के लिए तत्पर्य और सामने से गोरखपुर से आए हुए हैं। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने आज कलेक्ट्रेट स्थित सभी विभागों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने प्रशासनिक अनुभाग, इंग्लिश दफ्तर, भूलेख विभाग, एडीएम राजस्व, एडीएम प्रशासन, लेखागार सहित अन्य विभागों का निरीक्षण किया, जिसमें रिकॉर्डों के रख रखाव, साफ सफाई, कर्मचारियों की कमी सहित अन्य बिंदुओं की जानकारी हासिल करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एडीएम सिटी रजनीश चंद्र, सीआरओ बलराम सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव, एसडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने बताया कि कलेक्ट्रेट का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में कर्मचारियों की कमी पाई गई है, जिसको दूर करने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि कुछ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का प्रमोशन इसी सप्ताह होने से कुछ परेशानी दूर होगी। उधर चले सीआरए उनकी पासबुक दिखा दो। एसीआर कब तक की होगी? और आप उसे वो भी दिखा देना, ये रीडिंग क्लासेस लो अभी चश्मा कल नहीं करा तो 17 का हो गया है तो कंप्लीट करा दिया आपने। तो कोई ऐसे रह गए जिनका 17 का दावी ना हुआ सर? तहसील में होंगे सर, उनका अभी कुछ
करता है जो हमारे यहाँ कलेक्टेड तहसीलों को नहीं था सर्विस वेरिफिकेशन। हाँ ये क्या दिखा रहे हो सर्विस वेरिफिकेशन? अच्छा बिल वो नहीं आप पढ़ते हैं सर के साथ सेवा का जो वेरिफिकेशन होता है वो साल दर साल उसको करना चाहिए। आपके कितने कर्मचारी आपके भी कोई कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं अभी नहीं और इसके वर्ष में कोई नहीं आगामी छः महीनों में जुलाई में सब दो जुलाई में भी और एक नवंबर में तो आप ये जो प्रमोशन की कार्रवाई कर रहे हो तो बारह आपके पद खाली हो जाएंगे तो क्या करो और ये लोग कहाँ के हैं कहाँ कहाँ तैनात हैं? कि अगर नीचे से नहीं भर्ती हो रही है तो ऊपर सवाल करते चले जाएंगे उनका जरूरी प्रमोशन अधिकारी है लेकिन नीचे आपको दिक्कत कुछ होती है। क्या है इस समय ये जो बाबू की भर्ती का इस समय बोर्ड में क्या है जब भी भर्ती होगी तो 18 किसी भी तहसील अगर आप वो भी हटा देंगे उससे सभी को रखने में कैसे चार तहसीलों के बाकी यहाँ क्या है इसका मतलब ये हुआ कि एवरीबॉडी इज वर्किंग ऑन अ प्रॉपर वेयर इज दे आर नॉट तो नहीं काम कर रहे वो भी एक्सेप्टेड हूँ जो कर रहे हैं वो भी केवल दो के खिलाफ चल रहे कब उनको चार्जशीट दी गई चार्जशीट अभी सर नहीं दी गई है कितने दिनों में हम ये चाहते हैं कोई ऐसा तात्कालिक मामला है जिस समय कर्मचारी को निलंबित भी किया गया और एक आदेश कर दिया गया कि इसके खिलाफ कार्रवाई की संस्कृति आती है बुलाने जाकर अधिकारी रहेंगे तो विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम उसको चार्जशीट देनी चाहिए 15 दिन
15 दिन में एक लंबा समय, एक सप्ताह में दे देंगे और उसके बाद विलंबतम 45 दिन में कार्रवाई समाप्त, तो होनी चाहिए एक महीना 45 दिन में, और जवाब का एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए, नहीं देते हैं तो फिर अपना उसका विवेचना करके उसके और साक्ष का एनालिसिस करने के बाद उसके ऊपर सजा देनी है, छोड़ना है। कोई भी कार्रवाई 1.5 महीने से ऊपर नहीं चलनी चाहिए, बढ़िया एंट्री दे दीजिए उसको, जो खराब काम कर रहे हैं तो उनको तो पनिश कर दीजिए। तो ये एक तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि 751 ऑफिस है, 751 मैं केवल 2 के खिलाफ कार्रवाई चलने का मतलब ये है कि इस समय SDM किसी भी जगह कोई फर्क नहीं करता, जो कर्मठ है और जो पूर्णता निकम है उसको, तो अभी SDM बैठे मुझे रिमाइंड करेंगे और दे शुड इनिशियल एक्शन अगर सम इशू वो नॉट वर्किंग। गंदगी रखने में मज़ा आता है, जब दिखता नहीं है उसमें जो दाग कर रहा हूँ दरवाजे में दुनिया में कितने दाग लगे हुए दिखाई नहीं देता अपने चेहरे पे और जैकेट पर दिखा दी सत्ता सफाई चलो बैठे अभी और लाइट आनी चाहिए ظاہر ہے کہ ہمارے واٹ رومس جو ہیں دا نیکسٹ کامل نبی سر آنے والے ہفتے کے اندر ہی ہیں Thank you.
देखिए कलेक्ट्रेट जो है वो पूरे ज़िले का सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिस है, क्योंकि यहाँ से तमाम प्रक्रियाएँ शासकीय संचालित होती हैं और इसका हम लोग निरंतर निरीक्षण करते हैं, पूर्व में भी कई बार कर चुके हैं और ये जो है वो वार्षिक निरीक्षण है। वार्षिक निरीक्षण का उद्देश्य ये होता है कि जितने भी हमारी कार्य प्रक्रियाएँ हैं, जो हमारी कार्य संस्कृति है, जो कार्यालय का रख रखाव है, वो सभी हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो इसके लिए हमने पर्याप्त समय पूर्व इसकी डेट नोटिफाई की थी और अभी जैसे ये संयुक्त कार्यालय हमारा है, इसको हम देख रहे हैं तो व्यवस्थाओं में यहाँ पर्याप्त सुधार है। इसमें एक कमी हमारे सामने समय आ रही है कि जो हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्ति प्राप्त करते जा रहे हैं, जैसे अभी मुझे बताया गया कि 31 दिसंबर को हमारे 5 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मिलित हैं, तो अभी फ्रेश रिक्रूटमेंट ना होने की वजह से तो वो हमारे पास जो संख्या बल है वो कम होता जा रहा है, जिससे कि एक एक कर्मचारी के पास कई कई पटल का चार्ज आ जाता है। तो वो दिक्कत हमारे सामने है। जो निरंतर हमारे निरीक्षण हुए हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स हमने यहाँ पर देखे हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि जो निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं उसमें सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है। तो मैंने अपने ऑफिसर्स को ये बताया है कि उनके पटल के जो जो कार्य हैं, कुछ कार्यों को मैंने देखा है, तो जैसे हमने बिल लिपिक का पटल देखा तो बिल लिपिक भी एक अच्छी कोटि के कर्मचारी रहे हैं, लेकिन वो भी 31 को रिटायर हो रहे हैं। तो उनके जो सहायक हैं, मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा सर मैं काम सीख गया हूँ, जैसे 4 साल से इसी पटल पे हूँ, संभाल लूँगा। तो इम्प्रूवमेंट है लेकिन गुंजाइश आगे भी है। ऐसी कोई विशेष बात अभी तक समझ में नहीं या सामने नहीं आई है इसमें लगता हो कि कोई कार्रवाई की आवश्यकता हो। सर कर्मचारियों की कमी के लिए शासन को पत्र भी लिखा जाता है, ये हम लोग निरंतर लिखते हैं और तहसीलों में और मुख्यालय पर सभी जगह कर्मचारियों की घोर कमी हो गई है। तो जब इनका रिक्रूटमेंट होगा तब इसकी भरपाई हो पाएगी। और अभी एक प्रक्रिया हमारे यहाँ चल रही है, जो हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी प्रमोशन की प्रक्रिया एक हमारे यहाँ इस समय गतिमान है, जिसमें हम लोगों को 17 लोगों को 12 लोगों को प्रमोशन देना है। तो ये हमारे चतुर्थ श्रेणी से 12 लोग प्रमोट होकर बाबू के कैडर में आएंगे और वो उनको थोड़ा इन हाउस उनको ट्रेन किया जाएगा, उसके बाद वो अपना अपना काम संभालेंगे। गुरुवार को लोकसभा में तत्काल तलाक पर रोक बिल पास होने से मुस्लिम महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस बिल का देश के लगभग सभी सांसदों ने समर्थन किया है। अब ये बिल राज्यसभा में पास होने के लिए पेश किया जाएगा। तत्काल तलाक रोक बिल पास होने से एक तरफ जहां मुस्लिम महिलाओं में खुशी की लहर है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपाई इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों ने शुक्रवार को टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी करके अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य इरफान अहमद, रिजवान अली, अजमेर आलम, मोहम्मद आमीन, इनामुल मोहम्मद, अयूब अंसारी सहित कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इरफान अहमद ने कहा कि एक समय में 3 बार तलाक कहकर किसी महिला को छोड़ देना ये अपने आप में उस महिला के साथ बड़ी नाइंसाफी है। 3 तलाक विश्व के कई देशों में पहले से ही बैन है, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में 3 तलाक अब तक लागू था। उन्होंने कहा कि संसद में सभी सांसदों की सहमति पर यह बिल पास हो गया है। ये बिल मुस्लिम महिलाओं की एक बड़ी जीत है। जिंदाबाद।
की खुशी आप लोग बना रहे हैं? तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पास होने की खुशी में आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जो मुस्लिम महिलाओं के साथ वादा किया था उस वादे को आज पूरा किया है। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में इस देश के महिलाओं का मान व सम्मान सुरक्षित रहेगा। उसको लेकर के आज मोर्चा के कार्यकर्ता मिठाइयां खिलाकर पटाखे छोड़कर खुशी का इजहार करने के लिए यहां पे आए हुए हैं। कुछ मुस्लिम समाज के या संगठन के लोग हैं इस बिल को जो गैर संवैधानिक बता रहे, ये बता रहे कि उनके अधिकारों का हनन है। ये बिल देश के मुस्लिम महिलाओं के हित में है और देश की मुस्लिम महिलाओं ने भी इसका स्वागत किया है और हम लोग भी इसका सम्मान और स्वागत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इन दिनों ठंड अपने पूरे शबाब पर है। ऐसे में गरीबों और असहाय को ठंड से राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सर्द मौसम और बढ़ती ठंड के बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में कंबल वितरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, जिलाधिकारी राजीव रौतेला, ADM वित्त विधान जायसवाल, ADM सिटी रजनीश चंद्र, SDM सदर राहुल पांडे, तहसीलदार सदर विनोद सिंह, आपदा प्रबंधक गौतम गुप्ता सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नगर विधायक और जिलाधिकारी ने 264 गरीब व निराश्रित लोगों को कंबल वितरित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विधायक ने कहा कि ये संतोष की बात है कि इस वर्ष समय से कंबल वितरण हो रहा है। वितरण में पूरी पारदर्शिता अपनाई गई है और प्रत्येक लाभार्थी को सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ हर स्तर पर सहयोग में खड़ी मिलेगी। ये उनका अधिकार है तथा कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि लेखपाल के माध्यम से गरीब लोगों की सूची तैयार कर लें। इसके अलावा अलाव जलवाने का प्रबंध करें। इसके लिए प्रत्येक तहसील पर 50,000 रुपये देने को कहा है। उन्होंने ज़िले के रैन बसेरों को बेहतर ढंग से रख रखाव का निर्देश दिया ताकि वहां ठंड से बचाव हो सके तथा लोगों को बेहतर महसूस हो। पैसा कहां रुका पता नहीं चला। जो कंबल बांटा गया था वो जिलाधिकारी ने, तत्काल जिलाधिकारी ने सामाजिक संस्थाओं की मदद से बांटने का काम पूरा किया। शासन ने प्रति कंबल 500 रुपए की व्यवस्था की है। 500 रुपया का एक कंबल कम नहीं होता। सारी सुविधाओं को पहुंचाएं जो बड़े लोग उच्चतम वास्तविक धरातल पर जमीनी धरातल पर सफलता के साथ हम लागू कर पाएंगे, हमें इसका विश्वास है। अभी टेंडर नहीं हो पाए हैं। सरकारी व्यवस्था में अभी आज या कल बात करके सुदृढ़ करने की जरूरत है। सफलता पाएंगे कि सरकारी पैसे का कंबल हम समाज को बांट सकें। जैसा कि लेकिन गोरखपुर के जिलाधिकारी ने जो रुचि लेकर के बिना सरकारी पैसे के भी समाज की सहायता से आज कंबलों की व्यवस्था करके जो शिविर लगाया है, मुझे लगता है कि यहाँ उपस्थित लोगों को इसके प्रति गोरखपुर के प्रशासन का आभार प्रकट करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के विधायक जी श्री विपिन सिंह जी, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा जिले का प्रशासन है, हम लोग जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं उनके साथ पूरा समन्वय, पूरा सामंजस्य और आपसी समझ बनाकर हम लोग जनता की सेवा करें। जैसा कि निरंतर संपर्क बनाए रखते हुए हम लोगों को गाइड करते रहे कि किस प्रकार इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाना है और हम जो कल्याणकारी सरकार है और विशेष रूप से ये सरकार जो इस वर्ष सत्ता में आई थी, हमारे जिले के तहसील सदर के सभी सम्मानित मेरे सामने बैठे, वो गरीबों की दुख तकलीफों को दूर करने की तरफ है। हम लोग निरंतर ऐसे काम कर रहे हैं। हम लोगों को अपने आशीर्वचन दे सर,
सर, उनको अपनी परेशानियों से निजात मिले। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तालियों में निरंतर उनके नैतिक जीवन में आने वाली कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने का हम लोग प्रयास करें। इसी श्रृंखला में ये कड़ी है जो आज आप लोगों को कंबल दिए जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, वे में एक नवाचार के रूप में कार्य करना पसंद करते हैं और हम लोगों को हमेशा गाइड करते रहते हैं कि इस प्रकार से काम करना है ताकि हम। और ये एक शुरुआत है, बहुत ही जल्दी हमारे जिले में सरकारी धनराशि से भी बहुत बड़ी संख्या में कंबल आएंगे, जिनको हम लोग, जैसा कि माननीय विधायकगण ने कहा, पूरी पारदर्शिता के साथ तहसीलों के स्तर पर, विकास खंडों के स्तर पर जो वास्तविक जरूरतमंद लोग हैं उनको चिन्हित करके, उनको बुला के वो कंबल हम लोग उनको मुहैया कराएंगे। इसके अलावा मुझे कहने में अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे जिले में जो इस समय रैन बसेरे बने हुए हैं, हम लोगों ने पिछले एक महीने से उसके ऊपर कार्य किया था। रात गुजारने वहां पर जाए, उसको लगे कि मैं एक बहुत अच्छे स्थान पर आ गया, और क्या इन व्यवस्थाओं के बीच में क्या ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है कि जब मुझे किसी रैन बसेरे में जाके ये लगे कि मैं किसी बहुत अच्छे होटल में आ गया। धन्यवाद सर, बहुत बड़ी सुविधाएं यहाँ पर है, हम आपको आश्वस्त करते हैं सर कि हम लोग पूर्ण निष्ठा और आपके दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करेंगे। साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने मुख्यमंत्री जी का नाम जोड़ने की, मैं अपने अधिकारियों से निरंतर इस बात को सुनिश्चित करा रहा हूं कि हमारे अधिकारी कभी भी कहीं भी किसी भी समय आकस्मिक रूप से जाकर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि जनता के लिए जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से क्रियान्वित हों। और इनमें से कई योजनाएं पूरी हो गई हैं, कई योजनाएं अभी क्रियान्वयन की स्थिति में हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से जानिए कि आने वाले 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में गोरखपुर में विकास के इतने कार्य हो रहे हैं जो मुकम्मल हो जाएंगे कि ये जनपद और महानगर एक बेहतर रूप में सामने आएगा। हमारे जनता दर्शन होता है, उसमें हमारे जिला बड़ा जिला है, दूर दराज से भी हमारे यहाँ लोग आते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि हम उनको उनकी समस्याओं का समाधान उसी समय दें जब वो लोग हमारे पास आए, और यही अपेक्षा हमारी अपने अन्य विभागों से भी होती है और तहसील के प्रशासन से भी रहती है। पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे आइए। अभी ले तो ले लीजिए भाई साहब, उनको रोक जो मिनट इनको रोकिए, इनको रोकिए, इन लोगों को आने दीजिए। आ जाओ, आ जाओ, और आगे आ जाओ। आप लोग जो कर्मचारीगण लगे हुए हैं, लेखपाल राजेश निरीक्षक, उनसे अनुरोध है कि अपने अपने ब्लॉकों में लाभार्थियों को पर्ची लेते हुए कंबल वितरण कराना सुनिश्चित करें। आराम से, आराम आराम से पर्ची लीजिए। निरीक्षक है और नायब साहब लोग हैं, मैं उन लोग सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इनाम से सभी लोगों को, सभी को कंबल प्राप्त हो जाए और सभी लोग यहाँ बैठे रहेंगे। अभी कंबल लेने के बाद कोई जाएगा नहीं, यहाँ अभी आप लोग रुके रहिएगा। इनको रोक लीजिएगा, इन चारों लोगों को रोक लीजिए, माता जी लोगों को रोक लीजिए, इन माता जी लोगों को रोक लीजिए, आइए आगे आइए, थोड़ा सा
अरे बट जाए लगे हुए कर्मचारियों से अनुरोध है कि कृपया आपने अपने ब्लॉक में जो कंबल आपको प्राप्त है उनको बांट दें लाभार्थियों को। लाभार्थी बैठना ही हो कुछ प्रदेश की सरकार और जनपद का प्रशासन दोनों जो हमारे समाज के गरीब व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है और इसी प्रयास में आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है जिसमें सदर तहसील गोरखपुर के जो गरीब लोग हैं जो ठंड की मार से पीड़ित हैं उनको हम लोगों ने कंबल बांटे हैं और इस जरिए उनको कुछ राहत देने का प्रयास किया है। ये व्यवस्था हमारी जारी रहेगी और हम लोग बहुत बड़ी संख्या में हज़ारों की संख्या में पूरे ज़िले में आने वाले सप्ताह में जगह जगह तहसीलों पर कैंप्स लगाकर कंबल वितरण की व्यवस्था करेंगे और ठंड से राहत देने के लिए हमारी और व्यवस्थाएं भी जारी हैं जैसे पूरे ज़िले में रैन बसेरे बनाए गए हैं, पूरे ज़िले में अलाव चल रहे हैं और रैन बसेरों में हम लोगों ने प्रयास किया है कि उसका स्तर बहुत उच्च कोटि का रहे, किसी प्रकार की गंदगी ना रहे। जो भी व्यक्ति महिला या पुरुष रैन बसेरे में रात्रि व्यतीत करने जाए उसको वहाँ पर जाके सुविधा मिले, साफ़ सुथरे हमने किए हैं और ये प्रयास किया है कि वहाँ जाके उनको लगे कि वो एक अच्छे स्थान पे आए हैं और सुविधापूर्वक वो अपनी रात्रि वहाँ पर व्यतीत करें। ये सब व्यवस्थाएँ हम लोग करने में लगे हैं और हम विश्वास रखते हैं कि हमारे जनपद जो एक बड़ा जनपद है और उसमें लाखों व्यक्ति हैं, लगभग 50 लाख व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हम लोग राहत पहुँचाएंगे। ये आप इस बात को संज्ञान में लाएं, वैसे ऐसी कोई शिकायत मेरे पास अभी तक नहीं आई है और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमने अपने अधिकारियों की पूरी टीम को लगा रखा है जो आकस्मिक रूप से जाके सभी रैन बसेरों की चेकिंग भी कर रहे हैं, पिछली रात्रि में भी हुई है, सब जगह लोग गए हैं। ऐसी कोई शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास में बिजली गुल होने पर बुधवार की रात कुछ छात्रावासियों ने सड़क जाम करने के बाद चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर गोपाल प्रसाद के आवास पर तोड़फोड़ और पथराव किया था। इस मामले में चीफ प्रॉक्टर ने उपद्रवी छात्रों के खिलाफ उसी रात तहरीर दी थी जिस पर कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 को नामजद और 55 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन 5 नामजद छात्रों को बेकसूर बताते हुए शुक्रवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के लगभग एक दर्जन छात्र एसएसपी से मुलाकात करने उनके कार्यालय पहुंचे, लेकिन एसएसपी के व्यवस्था के कारण इन छात्रों की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। छात्रों का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता शिवशंकर गौड़ ने कहा कि बुधवार रात की घटना में प्रॉक्टर द्वारा निर्दोष छात्रों के खिलाफ तहरीर दिया गया है जबकि उपद्रव करने वाले कोई बाहरी थे। शिवशंकर गौड़ ने पुलिस प्रशासन से 5 नामजद छात्रों की बहाली की मांग की है। वहीं इस मामले में चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर गोपाल प्रसाद ने कहा कि अगर छात्रावास में कोई परेशानी थी तो छात्रों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन इन उपद्रवियों ने न सिर्फ सड़क जाम किया बल्कि उनके आवास पर तोड़फोड़ और पथराव भी किया। उन्होंने कहा कि उपद्रवी छात्र किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। इस मामले को कुलपति के भी संज्ञान में लाया गया है, कुलपति ने भी इस पर और सख्ती बरतने की बात कही है। देखिए, हम लोग जिन छात्र नेताओं पर फर्जी तरीके से चीफ डॉक्टर के माध्यम से मुकदमा लगाया गया उस पर मैं पूरा विषय आपको बता देना चाहता हूँ। लगभग एक हफ्ता पहले से छात्रावास में बिजली की समस्या पर्याप्त थी, बिजली नहीं आ रही थी और बिजली नहीं आने का मतलब है कि पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। लगातार छात्रावासी माननीय मुख्य नियंता महोदय से, माननीय चीफ डॉक्टर महोदय से, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रत्येक अधिकारियों से अपनी मांगों से अवगत कराते हैं, लेकिन 27 तारीख को सबर का बांध टूट गया। जिस छात्रावास में बच्चा पढ़ने आता है वहाँ जब लाइट नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, बच्चा खाना बनाएगा कैसे? और यहाँ तक बता दूँ कि LLB का परीक्षाएं चल रही हैं, MA की परीक्षाएं चल रही हैं और कई बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन बिजली न आने के वजह से खाना नहीं बन पा रहा था, जिसको लेकर 27 तारीख को आंदोलन पर बैठे आम छात्रवासी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन पर बैठे हुए थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के मुख्य नियंता चीफ प्रॉक्टर के माध्यम से कई सारे छात्र नेताओं और कई आम विद्यार्थी जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उन पर फर्जी तरीके के साथ मुकदमा लगा के उनके भविष्य के साथ बाली खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। यहाँ SSP से मुलाकात किए, क्या मांग करने आए हैं आप लोग? हम SSP से मांग ये करने आए हैं कि जो भी फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं छात्र नेताओं पर तत्काल उन मुकदमों को वापस दिया जाए
और विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं को अगर प्रशासन बार बार हमारे विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप करता है तो मैं एक चीज़ और कहूँगा आपके माध्यम से कि गोरखपुर का प्रशासन जो सरकार के माध्यम से है वो विश्वविद्यालय की समस्याओं को देखे और स्वयं समाधान कराने के लगा रहे। जब पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगा तो बच्चा क्या करेगा, आंदोलन नहीं करेगा तो क्या करेगा, दूर दराज से बच्चा पढ़ने आता है। डॉक्टर साहब का आरोप है कि आप लोगों ने उनके घर पे घेराव किया, पथराव किया, इस तरह का वो आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊं और मैं आपके माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूं कि जब कई छात्र नेता उनसे बात कर रहे थे, वार्ता कर रहे थे, वहाँ के पुलिस के अधिकारी कैंट थानों के SSO विश्वविद्यालय के चौकी इंजार मौजूद थे, उस समय जो है सारे छात्र नेता उनसे बात कर रहे थे, तब तक उनके घर से फ़ोन आया कि आप हमारे घर पर पथराव हो गया। कुछ असामाजिक तत्व जो है, बाहरी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय का वातावरण बिगाड़ना चाह रहे थे और शहर का वातावरण बिगाड़ना चाह रहे थे, उन्होंने ईटा पत्थर चलाया नियंता पे और वो फर्जी मुकदमा छात्रों पे कर दिया, उन्होंने छात्र नेताओं पे कर दिया, उन पे कोई कार्रवाई नहीं और आम छात्र जो बचा रहता उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। कौन निर्दोष है और कौन दोषी है अब इसका फैसला जो है न्यायालय के माध्यम से भी होगा। और जब इन लोगों ने अचानक जब विद्युत आपूर्ति बाधित हुई तो बिना किसी सूचना के सड़क पर जाकर के सड़क जाम कर दिया, जिससे जनता को भी परेशानी हुई, विश्वविद्यालय प्रशासन को भी परेशानी हुई और विश्वविद्यालय की छवि भी धूमिल हुई। और ये जो सड़क पर बैठ गए थे, ये जो लोग चिन्हित हैं जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की कराया गया है मेरे द्वारा, ये सब लोग उस धरने का नेतृत्व कर रहे थे और सड़क पर ये लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि चलो प्राक्टर के घर पर धावा बोलो। मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि ठीक है बच्चे हैं, ध्यान ऐसी बातें करते हैं, लेकिन इन्होंने उस बात को अंजाम दिया। तो मैं तो जानता हूं कि यही लोग थे और इन लोगों ने ले जा करके, और वो बाहर उपद्रवी कौन थे, बाहर उपद्रवी इन्हीं के कहने पर आए थे। हॉस्टल में ये जो रह रहे हैं अपने साथ जो है इनके इनके सह पर ही तो उपद्रवी रह रहे हैं, जिनको उपद्रवी वो कह रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। और ठीक है, ये विधि सम्मत जो है कार्रवाई की जा रही है। सर, इन छात्रों का कहना है कि लंबे समय से बिजली पानी हॉस्टल में नहीं रहता है, जिससे हाँ। लोगों को काफी दिक्कत होता है। देखिए, ये बिजली पानी एक समस्या तो है। बिजली जाड़े के दिनों में आप जानते हैं पूरे शहर की बिजली जो है ध्वस्त हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, और ऐसे में हमारा विश्वविद्यालय भी उसका एक पार्ट है, तो यहाँ भी गड़बड़ होती है बिजली, अगर बाधित होती है तो उसके लिए पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन प्रयास करता है। अभी आपको पता है नया ट्रांसफार्मर दो दो आया था, एक बैठा हुआ था, एक काम कर रहा था, और एक जो है स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर जो है आया हुआ था उसके कुछ ही दिन बाद, जो कि हाइडिल का था, फिर विश्वविद्यालय ने एक नया ट्रांसफार्मर मंगा करके संत कबीर छात्रावास के जस्ट बगल में वो जो 11,000 लाइन जो है उतार करके उसको देने का हम लोग प्रयास करवा रहे थे। इंजीनियर का जो रिपोर्ट है, मैं मौके पर जा करके भी देखा, फाउंडेशन पर नया ट्रांसफार्मर रखा हुआ था और वो सीट डाउन ले करके वो ST लाइन पर घास जो चढ़ी हुई थी, लता चढ़ी हुई थी, उसको साफ कर रही थी। और ये यही छात्र थे लोग, ये जा करके हाइडिल पर जो है इन लोगों ने जो है उससे गलत व्यवहार किया, गाली विद्या हाइडिल वाले के जो कर्मचारी हैं उनको, और हाइडिल पर जिस कर्मचारी ने सिट डाउन लिया हुआ था उस कर्मचारी को इन लोगों ने फोन करके बुलाया। सारा घटना आप लोगों को पता भी है, पेपर में भी निकला हुआ है, और उस फोन से करके, और वो पोल पर जो लाइनमैन चढ़ा हुआ था वो सफाई कर रहा था, वो पत्तियों को साफ कर रहा था ताकि उसको जोड़ा जाए, लेकिन इन लोगों ने उसको उतार करके मारा भी। और फिर इंजीनियर ने हमको सूचना दिया तो मैं मौके पर पहुंचा, फिर इंजीनियर ने बताया कि सर ये हम काम नहीं करा पाएंगे। फिर वहाँ मैंने अपनी जो इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसको वहाँ खड़ा किया, हमने कहा कि भाई लाइट शुरू करिए, उन्होंने बताया कि सर अभी इसको यहाँ मेंटेनेंस में भी बार बार लोग प्रॉब्लम करेंगे, इसलिए हम क्रेन उठा करके और स्वास्थ्य केंद्र के पीछे जो हम लोगों का सब सिस्टम है वहाँ ले जाएंगे, और वहाँ से ले जा करके इन्होंने दिन में 11 बजे चालू भी कर दिया। 11 बजे से लेकर 7 बजे तक वो बिल्कुल अच्छी तरीके से चलता रहा, और जैसे ही लोगों ने ओवरलोड किया, ओवरलोड होते ही 7:30 बजे के पास जो है हमको सूचना मिली कि ये ट्रांसफार्मर जल गया, और इन लोगों ने बिना किसी उसके जो है ये बताते, हमको बताते, विश्वविद्यालय प्रशासन के और जिम्मेदार हैं लोग उनको बताते,
तुरंत सड़क पर जाम कर दिया, ये तो कोई बात होती नहीं है। ठीक है, आप विरोध करिए। सर, जैसा भी आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय छात्रावास में कुछ उपद्रवी तत्वों का वहाँ पे जमावड़ा लगता है, तो अगला नेक्स्ट कदम क्या होगा आपका, ताकि इस तरह दोबारा भविष्य। अभी हमारे माननीय कुलपति जी बाहर हैं, अभी वो किसी काम बस जो है बाहर गए हैं, आउट ऑफ स्टेशन है। पूरी घटनाक्रम को माननीय कुलपति जी को हमने कल अवगत करा दिया है और ये बता भी दिया कि इतने लोगों के खिलाफ जो है मेरे द्वारा उन्होंने और भी सख्ती बरतने के लिए हमको निर्देशित किया है। अब आगे की कड़ी में आप देखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप जो है कार्रवाई होगी और माननीय कुलपति जब आज आ रहे हैं तो और भी सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी स्थिति में हम जो है इन अराजक तत्वों को, ये जो अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले, चाहे वो छात्र हों चाहे बाहरी लोग हैं, हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। देखिए, अब जो उपद्रवी आए, अगर मान लीजिए अगर आप उपद्रवी मानते हैं तो इन्हीं के बंधु बांधव थे, यही लोग ले आए थे, तो मैं तो यही जानता हूं कि यही इन्हीं के साथी थे, यही लोग थे, और इन लोगों ने जाकर के जो है भद्दी भद्दी गालियां दी, हमारा परिवार जो है और जाकर के आप देखिए, आप जो है वीडियोग्राफी करके जाकर के देखिए, हमारे घरों के जो है खिड़कियों पर इन्होंने ग्रिल पर एक एक आधे आधे टुकड़े जो है मारे हैं, और हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड था, संजोग से दो सिक्योरिटी गार्ड वहां थे, तो एक सिक्योरिटी गार्ड को मैं गाड़ी में बैठा करके और तुरंत चल लिया था, बाद में और हमारी बैरक में रह रही थी सिक्योरिटी, उसको लिया, तो उसको जो है इतनी बुरी तरीके से जो है उसकी गाड़ी वहां मोटरसाइकिल खड़ी थी उस पर जो है हमला किया, वो टूट गया, हमारी कार पर जो है इन लोगों ने दसों कार का जो गैरेज है उस पर दस टुकड़े जो है साक्षात आप जाकर के देखें कि 10 बार वार किए गए हैं मिनिमम, और वो हमारा वो गैरेज भी टूट गया है। हमारे संजोग ही अच्छा था कि उसने जो गार्ड था उसने बहुत बहादुरी का काम किया कि वो पत्थर ये लोग 10 मिनट बरसाए हैं। आप कल्पना करिए कि 10 मिनट किसी के घर पर अगर पत्थर बरसेगा, ईटा बरसेगा, तो क्या स्थिति होगी। उसमें भी जो गार्ड था उसने बहादुरी काम किया, शटर उसको बंद कर दिया, गैरेज को जो गाड़ी का है, माने गाड़ी हमारी नहीं टूटी, उस पर एक हल्का सा जो है नेम प्लेट है जो है वो टूटा जो है, तो ये तो बहुत ही ये अव्यवस्था है या शांति, ये देखिए, ये तो मैं तो आज हूं, कल कोई और होगा, परसों और होगा, तो आप एक अथॉरिटी को चैलेंज दे रहे हैं, ये हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय की छवि आप खराब कर रहे हैं, पूरे जिले का नाम बर्बाद कर रहे हैं आप, कि क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र ऐसे ही होते हैं, उपद्रवी होते हैं, उपद्रवी पैदा किए जाते हैं क्या। सर, कितने छात्रों पर? लगभग ये 5 जो है नामजद हुए हैं, जो कि जिसमें कि 4 जो है लाके छात्र हैं, और एक जो है अभी वो मौके पर आकर के उन्होंने भी भीड़ को भड़काने का, अतुल नाम है उनका, डिटेल उनका जो है रिकॉर्डिंग है। विश्वविद्यालय का छात्र है ये? वो संभवतः विश्वविद्यालय का छात्र नहीं लग रहा था, लेकिन बच्चे लोग उनको पहचान रहे थे, यही लोग बताएंगे कि वो कौन थे, क्योंकि उनके उकसावे पर जो है ये लोग कह रहे थे कि ये प्राक्टर को तब तक जाने नहीं दो जब तक की जो है बिजली नहीं आती है, या इनको चलो इनके घर पर जो है हम लोग घेरते हैं। शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का विनियमितीकरण किए जाने और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने सहित 21 सूत्री मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने शुक्रवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर में धरना दिया। धरने के दौरान संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महामंत्री जगदीश पांडे ने कहा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, 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 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक एक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, अभी तो ये लड़ाई है। हम माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग कक्षा में पढ़ाई अधिकारों की लड़ाई के नारे के साथ आज ये धरना आयोजित किया। हमारी अपनी स्पष्ट सोच है कि शिक्षा की तौल परीक्षा से होती है, इसलिए परीक्षा की पवित्रता के लिए प्रसिद्धि परीक्षा 2018 को नकल संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए। अगर परीक्षा की पवित्रता नहीं रहेगी तो शिक्षा में भी गुणवत्ता नहीं आएगी। मुख्यमंत्री को प्रेषित अपने 21 सूत्री मांगों के समर्थन में हम आज ये धरना दे रहे हैं, जिसमें तदर्थ शिक्षकों का, प्रधानाचार्यों का विनियमितकरण, प्रधानाचार्यों को त्रिस्तरीय वेतनमान, और माध्यमिक विद्यालयों में रुकी हुई 6 वर्षों से परिचारकों की नियुक्ति खोली जाए, अन्यथा विद्यालय जो प्रधानमंत्री का नारा है स्वच्छता अभियान, उसका गला घुट रहा है, क्योंकि विद्यालयों में परिचारकों के अभाव में हैं
जैसी व्यवस्था चाहिए स्वच्छता की वैसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। प्रयोगशाला खाली जा रहे हैं, पुस्तकालय खाली जा रहे हैं, कार्यालयों में परिचारक नहीं है, सफाई कर्मी नहीं है। ऐसी व्यवस्था में विद्यालय का स्वच्छता अभियान पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उन्हीं मांगों के समर्थन में हम आज धरना है। क्या एक दूसरी है कि एक दूसरी धरना है ये? और ये मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाएगा, इसलिए आज हम इस धरने। जिला हैंडबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश हैंडबॉल के अध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे का भारत ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष चुने जाने की खुशी में एक सम्मान समारोह का आयोजन गोरखपुर के रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। इस अवसर पर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के RSO अरविंद पांडे, जिला हैंडबॉल के अध्यक्ष मनोरंजन यादव, हैंडबॉल कोच नफीस अहमद सहित भारी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद थे। इस सम्मान समारोह के शुरुआत में आनंदेश्वर पांडे को बूके और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि को शाल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। अपने मुख्य अतिथि के क्रम में मैं अपने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संयुक्त सचिव और अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी मौजूद हैं। मैं नफीस अहमद प्रशिक्षक हैंडबॉल स्वागत करें। मैं टीम भी मंगवा लीजिए। मैं क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्री AK पांडे मनोरंजन यादव से अनुरोध करता हूँ कि वो कमेंटो प्रदान कर राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के तत्वावधान में महापौर सीताराम जायसवाल का शनिवार को सम्मान समारोह 2:30 बजे होगा। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा जी परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी की सूक्ष्म संरक्षण में 29 दिसंबर को 2 जनवरी तक 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं पावन प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन सत्कार मैरिज हॉल विकास नगर में किरण त्रिपाठी द्वारा किया जा रहा है, जिसकी झांकी को विधिवत ध्वज दिखाकर महापौर सीताराम जायसवाल ने रवाना किया। देखिए भैया सामने देखिए भैया थोड़ा क्रिकेट मैच का आयोजन महानगर के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान में किया गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 30 ओवर में अक्की स्पोर्ट्स ने 147 रन बनाए। बाद में बैटिंग करने वाली अतिशी स्पोर्ट्स अपने 10 विकेटों पर 137 रन ही बना सकी। इस तरह शुक्रवार को खेले गए मैच में अक्की स्पोर्ट्स ने 10 रनों से आतिफ स्पोर्ट्स को हरा दिया। अरे यार सब बहुत है यार। अरे यार ये सब भैया सबका मारो देखा शॉट। हां साथ निभाएंगे साथ। तो बहुत बढ़िया कमरुल भैया जवाज कमरुल यार नहीं खेल लेंगे। अरे नेता फुल बॉल क्या इनको देखो हम लोग पैड नहीं किए लगाए एडी नहीं लगाए
सही में सेम दिखा जाएगा। जाओ जल्दी बैटिंग करो, पैट करो। इधर अब जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के क्रिएटिव डायरेक्टर स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह की स्मृति में हरनई महाविद्यालय में आयोजित एक क्रिकेट प्रतियोगिता, पिता गुलाब सिंह और पुत्र आयुष सिंह ने गुड्डू बाबू को दी श्रद्धांजलि। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने किया कलेक्ट्रेट का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तत्काल तलाक रोक बिल पास होने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का किया इजहार। नगर विधायक और जिलाधिकारी ने गरीबों और असहायों के बीच बांटा कंबल। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर द्वारा छात्रों पर की गई कार्रवाई को ठहराया गलत। प्रॉक्टर ने कहा कि किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। 21 सूत्री मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने दिया धरना। जिला हैंडबॉल संघ की ओर से आनंदेश्वर पांडे को भारतीय ओलंपिक संघ का कोषाध्यक्ष चुने जाने पर किया गया सम्मान। 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की झांकी को विधिवत ध्वज दिखाकर महापौर सीताराम जायसवाल ने किया रवाना। और अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट में अक्की स्पोर्ट्स ने आतिफ को 10 रनों से हराया। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।